आस्था और मैं फिलहाल समझदारी और साधारणता से आपकी ओर चली आ रही हूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि अब हम क्लाइमेट चेंज के क्राइसिस, वन सेकेंड, हम क्लाइमेट चेंज के रियलिटी की तरफ पहुंच गए हैं, जो सुनने में तो बहुत ही डरावना है और दिखने में और ज्यादा भयानक। ऐसा लगता है जैसे कि कोई बुरा सपना है जो हकीकत में बदल गया है। आजकल आप लोग ने न्यूज चैनल में तो बहुत देखा होगा क्लाइमेट चेंज के बारे में, तरह तरह की न्यूज आ रही है, जगह जगह पर फ्लड्स हो रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स से लेके चाइना तक, और उसके साथ साथ ही बिन मौसम बरसात हो रही है। मुंबई में तो बिन मौसम साइक्लोन भी आ रहे हैं, मुंबई कर्स को तो बहुत अच्छे से पता होगा इस चीज के बारे में। बड़े बड़े जंगलों में आग लग रही है, ओले गिर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है आजकल, कभी ठंडी तो कभी गर्मी, मैं तो तंग आ गई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुंबई जैसी बड़ी बड़ी महानगरी जो है वो समुन्दर के अंदर ही डूब जाएगी। पर कोई बात नहीं, मैं तो इसलिए इधर आई हूँ ना, मैंने तो मेरे प्रिपरेशन कर लिए हैं। मैं जाने वाली हूँ अब सीधा इसके अंदर मेरा लाइफ वेस्ट लेके। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है एंड आजकल हम उसी के साथ जी रहे हैं, तो क्या बैठकर हम इस डिजास्टर का इंतजार करते रहे? तो जब हमें पता है कि प्रॉब्लम क्या है और ये किस वजह से है और इसके लिए क्या सोल्यूशन किया जा सकता है, तो आपको नहीं लगता ये सही वक्त है कि कुछ एक्शन लिया जाए? हमारे पास भी मौका है, हम इसे ठीक कर सकते हैं, भले ही एक छोटा सा मौका है लेकिन उम्मीद तो है। तो आज मैप ऑफ मी मुंबई मॉर्निंग शो में हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं। देखते हैं हम इस प्रॉब्लम का क्या सलूशन ढूंढ सकते हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में और क्या क्या जान सकते हैं। तो ये एक इंसान से होने नहीं वाला है, इट इज अ मैटर ऑफ कलेक्टिव एक्शन। तो जानते हैं कि हम साथ मिलकर क्या कर सकते हैं। एक डिजिटल यूथ चैनल जहाँ पर हम बहुत सारे स्किल्स सीखते हैं, जो भले वो हार्ड स्किल्स हो या सॉफ्ट स्किल्स। बेसिकली ये जो कॉलेज स्टूडेंट है, जो पास आउट हुए हैं, अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं, वो लोग के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए, जॉब चाहिए, या फिर आपको खोलना है अपना नया एंटरप्राइज, तो ये एक बहुत ही करेक्ट प्लेटफॉर्म है, आप बहुत ही सही जगह पर आए हैं। और यहाँ पे 26 स्टेप चैलेंज भी है जो आपको एक बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हेल्प कर सकता है। हम इस शो में आपको बताएंगे, मिलवाएंगे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स से, उनकी सक्सेस स्टोरीज भी बताएंगे। अगर आपको किसी से भी आप प्रेरित होते हैं, आपको मिलना है उनसे, तो आइए हमें लिखें, हम ट्राई करेंगे कि हम आपको कैसे ना कैसे उनसे जरूर मिलवाएं। ऑलराइट आस्था, जब तुमने बात कर ही दी है क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो क्या है ये क्लाइमेट चेंज, ये एक्चुअली कहाँ से शुरू होता है, इसकी नींव क्या है, इसकी वजह क्या है? तो चलो पता लगाते हैं। आइए अब हमारे साथ, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछने वाले हैं। हेलो, आपका नाम क्या है? रानी सिंह। रानी, तो रानी जी आप मुझे बताइए कि आपको लगता है मुंबई धीरे धीरे समुन्दर के अंदर डूबता ही चला जा रहा है? हाँ, ये तो लग रहा है कि डूब रहा है मुंबई, इसलिए कि मैं 2 साल पहले आई थी तो कुछ दूरी पे दिख रहा था समुंदर, अब तो पास ही में दिख रहा है। हेलो, आपका नाम क्या है? हाय, माय नेम इज सैमन। तो मैं पूछना चाहूंगी, क्या कभी आपने एनवायरनमेंट कंजर्वेशन या फिर बीच जो क्लीन अप ड्राइव्स होती है उसमें पार्टिसिपेट किया है? अभी तो नहीं किया है कभी पे, बट अगर मुझे मौका मिला तो हम जरूर करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ बीच पे आना, उसके बाद सब देखना, व्यूज बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा जी। आपको सुपर हीरोज पसंद है? ओके, तो अगर मुंबई को क्लाइमेट चेंज से कोई सुपर हीरो बचा सकता है तो वो कौन है? बीएमसी वर्कर्स, बीच क्लीनर, एक्सेट्रा। ओके, आप एक चीज भूल गए, आपको पता है हम जैसे लोग भी तो बचा सकते हैं, आपको क्या लगता है इसका, आपकी क्या राय है? हाँ बिल्कुल बचा सकते हैं। हाँ, तो आप बचाएंगी? हाँ जरूर। तो अब से ये भी एक सुपर हीरो हो गई है, मैं भी एक सुपर हीरो और आप भी एक सुपर हीरो है, एकदम हमारी तरह। आपके और मेरे जैसे लोग जो देख रहे हैं आप, उन्हें भी जरा मोटिवेट कीजिए कि आइए आप भी कुछ करिए।
जी हाँ, जैसे कि लोग कहीं पर भी कुछ भी खा पी के फेंक देते हैं, बट आप उसे एक पैकेट के अंदर रखो और उसे सही जस्ट डस्टबिन हो, या फिर आप उसे अपने पास ही रखो, फिर आप कहीं और जाके फेंक दो। लोग यहीं पे ऐसे ऐसे फेंक देते, तो वो नहीं करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो आपको क्या लगता है? वेल, कुछ लोगों को क्लाइमेट चेंज के बारे में पता है और कुछ लोगों को बिल्कुल पता नहीं है। कुछ लोग तो बहुत ज्यादा कंसर्न है, कुछ लोगों को तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। सो दिस लीड्स अस बैक टू द सेम क्वेश्चन, आखिर क्या है क्लाइमेट चेंज? आज हम हैं शिवनेत्रा मैम के साथ, तो आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ उन्हीं से। हेलो मैम। हाय। तो मैम बताइए आपके बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को। ओके, सो आई एम मिस शिवनेत्रा रामपेली एंड मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम करती हूँ घनश्याम दास जलान कॉलेज में। और एज वी नो कि हम ये ग्रीन सेगमेंट कर रहे हैं, तो मैं बॉटनी पढ़ाती हूँ कॉलेज में। उसके सिवाय मैं एक वाइल्ड ट्रेकर्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए मैं ट्रैक्स वगैरह भी करती हूँ। उसके सिवाय आई हैड ऑल्सो बीन द नेचर ट्रेल इंटरप्रेटर इन नेशनल पार्क्स ऑफ मुंबई एंड काफ़ी ग्रीन एरियाज में मैंने काम किया है। दैट्स अमेजिंग, मतलब फैबुलस, कितना इंस्पायरिंग है जान के कि आपने कितने सारे काम किए हैं। क्लाइमेट चेंज क्या रियलिटी है कि हम ऐसे ही बस फालतू में बोल रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है? मतलब इज दिस फॉर रियल? सो नासा ने एक लैंडसैट 8 के थ्रू एक एनालिसिस किया है जिसमें दे हैव स्टडीड द 50 इयर्स बैक डेटा एंड द 50 इयर्स न्यू डेटा, जीपीएस लोकेशन जैसे हम मैप्स पढ़ते हैं वैसे जी। सो दे हैव सीन दैट देयर आर लॉट ऑफ ग्लेशियर्स व्हिच आर मेल्टिंग, देयर इज अ रेज इन द सीशोर लाइन और जो मीटर्स में वगैरह इंक्रीज हो रहे हैं। लास्ट ईयर अगर मैं बोलूँ तो मुंबई में आई गेस 2.5 to 3 सेंटीमीटर्स तक इंक्रीज हुआ है लास्ट 3 to 4 ईयर्स में। एंड अगर हम देखा जाए तो साइंटिस्ट आर प्रिडिक्टिंग दैट इन 2030 or 2060 तक अगर ऐसा ही रेनफॉल एंड कंडीशन रहा तो शायद कुछ मीटर्स तक आपकी सी लाइन अंदर आ जाएगी। क्या आपको पता है यूएस के एक स्टडी के हिसाब से 2050 तक, मैं बात कर रही हूँ यूएस के नॉन प्रॉफिट क्लाइमेट साइंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उन्होंने एक स्टडी की है जिसके मुताबिक 2050 तक ये जो हमारे सी शोर्स हैं डूब जाएंगे। जिसका मतलब ये है कि अगर आप रहते हैं वर्सोवा के यहाँ पे तो टेंशन मत लीजिए, आपके पास फिर भी 50 से 100 साल है। जैसे कि हमें आमला ने बताया अभी अभी कि क्लाइमेट चेंज क्या है, वो कैसे होता है, पर क्या आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा रीजन क्या है? वो है हम कौन, यानी हम ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन कुदरत ने एक बहुत ही खूबसूरत चीज की है, मैं आपको बता दूं कुदरत का अपना तरीका होता है हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन ढूंढने का। तो हम बात कर रहे हैं मैंग्रोव्स के बारे में, जहाँ पर भी समंदर जो है जमीन तक आ पहुँचा है वहाँ पर कुदरत ने खुद ब खुद मैंग्रोव्स के पेड़ लगा दिए हैं। अब ये मैंग्रोव्स के पौधे क्या है? मैंग्रोव्स के पौधे वो है जो पानी के किनारे, पानी के अंदर या पानी के सतह पर ग्रो होते हैं। आपको एक चीज़ और बता दूँ, इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि सॉइल इरोजन से बचाता है, यहाँ तक के फ्लड के खतरे से भी हमें बचाता है। मुंबई एडमिनिस्ट्रेशन ने भी काफी सारे मैंग्रोव्स के पौधे लगाए हैं ताकि हमारा ये खूबसूरत सा शहर सुरक्षित रह सके। कंस्ट्रक्शन वेस्ट जो है हम सभी कुछ हमारे मैंग्रोव्स में फेंकते हैं और इसके वजह से जो मैंग्रोव्स के पौधे हैं उसमें बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन कब तक, इसके लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा, राइट? तो चलिए इसी बारे में और जानते हैं और मिलते हैं एक एनवायरमेंटल कंजर्वेशनिस्ट से। फर्स्टली थैंक यू सो मच शिवनेत्रा मैम फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड डूइंग दिस फॉर अस। जो मेरा क्वेश्चन है मैम आपसे ये है कि मुंबई को कौन से एनवायरमेंटल थ्रेट्स फेस करने पड़ सकते हैं? बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो हम सबको पता है कि मुंबई इज अ लो लाइंग एरिया। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो इशू होता है वो फ्लड्स का होता है। उसके सिवाय अगर हम देख रहे हैं तो बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन इज कम्प्लीटली इंक्रीजिंग, इसकी वजह से भी काफ़ी मैंग्रोव्स को कट किया जा रहा है फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस। सो दैट इज अगेन अ बिग डील। अराउंड लास्ट ईयर से इस साल आई गेस लास्ट 20 ईयर्स में वी हैव सीन के 42% ऑफ ग्रीन कवर जो है मुंबई का वो काफ़ी डिक्रीज हुआ है। 42% मतलब बहुत ज़्यादा होता है, approximately half. Although हम सब चाहते हैं कि we should stay in an area where there should be a nice air,
देयर शुड बी अ नाइस वाटर सप्लाई, लग्जरियस ग्रीन लाइफ. यस एग्जैक्टली, एवरीवन गिव्स दैट वी वांट अ ग्रीन कवर अराउंड अस, बट अगर इस तरीके से डिफॉरेस्टेशन हुआ तो इट वुड बी अ बिग डील फॉर अस. तो मैम क्या लगता है हमें कौन से ऐसे इमीडिएट रिफॉर्म्स अपनाने चाहिए या फिर कोई ऐसे इमीडिएट सॉल्यूशंस हमें अपनाने चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? सबसे पहला स्टेप होगा आपका ABC, यानी कि सबसे पहले हमें यूज जो है इलेक्ट्रिक यूज जो है वो लिमिटेड करना होगा. यानी कि जब हम वेस्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, लाइक फॉर एग्जांपल स्विच ऑन किया पूरा दिन वो एसी ऑन है या पूरा दिन वो फैन ऑन है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. वो वोल्टेज काफ़ी जो है वो यूज करता है. फर्स्ट वी हैव टू रिड्यूस दैट पार्ट. सेकेंड इज द यूज ऑफ बेटर सस्टेनेबल रिसोर्सेज. एंड अगर हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, सस्टेनेबल रिसोर्सेज में ये भी आ जाते हैं तुम्हारे. तो मोबाइल फोन अगर हम यूज कर रहे हैं तो यू मस्ट यूज दैट मोबाइल फोन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ रिप्लेस, वी मस्ट गो फॉर रिपेयर. अगर कोई चीज खराब हो गई है तो वी मस्ट रिपेयर दैट पार्ट. Basically, the change starts from you, from your very own house, right? Great. So, ma'am, आपने शुरू में mangroves के बारे में mention किया था. So, I would like to know कि mangroves हमारे लिए कितने important हैं and हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं? Mangroves are the one जो soil को hold करके रखते हैं. Specifically, जो sand soil होती है तुम्हारी, जो रेत होती है, इनको hold करके रखते हैं. एक बार अगर आपकी रेत होल्ड हो गई तब जाके आपके ट्रीज ग्रो हो सकते हैं, बिकॉज सैंड पे तो हम कुछ ग्रो नहीं कर सकते. इसको सेव कैसे कर सकते हैं? ये हमें जरूर बचाता है बहुत सारी चीजों से, पर हाउ कैन वी सेव मैंग्रोव्स? यूजुअली जो मैंग्रोव्स होते हैं ये कोंकण एरियाज या जो आपके एजेस होते हैं वहाँ पे होते हैं. तो अगर हम लोकल्स को अवेयर करेंगे कि भाई ये इम्पोर्टेंट है, ये मुंबई को बचाते हैं, जो शोर्स पे कंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको भी अगर हम थोड़ा सा कम कर सके तो दीज आर द इंटरेस्टिंग पार्ट्स विथ विच वी कैन सेव द मैंग्रोव्स. अभी हम उन आदतों और एक्शन पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे जिससे हम जाने अनजाने ही सबकॉन्शियसली ही क्लाइमेट चेंज को बदलने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाते हैं. हमारी वजह से कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज जो है वो बढ़ता है. प्लास्टिक भी फेंकना इज नॉट अ गुड पार्ट. दैट अफेक्ट्स मैंग्रोव्स. यस दैट अफेक्ट्स, बिकॉज वो प्लास्टिक जैसे ही आपके रूट्स को आके अटैच होता है आपका प्लांट ब्रीद नहीं कर पाता. ऑब्वियसली अगर आपके सर पे एक प्लास्टिक का बैग डाल देंगे इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू ब्रीद. इसके सिवाय हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का भी यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा क्लॉथ है कोई फट गया है तो वी कैन मेक अ बैग आउट ऑफ इट. दैट विल रिड्यूस द प्लास्टिक यूजेज. फ्लड्स वगैरह जो होते हैं ये भी इसी वजह से होते हैं, बिकॉज हमारा ड्रेनेज सिस्टम उस प्लास्टिक को डिग्रेड नहीं कर पाता. वाओ, इससे हमें बहुत सारी जानकारी मिली. पर क्या आपको पता है हम क्लाइमेट चेंज को कैसे रोक सकते हैं या रोकने में मदद कर सकते हैं? व्हीकल पॉल्यूशन अगर हम कम करें तो हम आसानी से क्लाइमेट चेंज को जो है रोक सकते हैं, मदद तो ऑफकोर्स कर ही सकते हैं. इससे केवल एयर पोल्यूशन ही नहीं बल्कि नॉइस पोल्यूशन भी हो रहा है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं. अब सवाल ये उठता है कि हम इसे कैसे रोकें. मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें नई कार्स जो बनाना है या उसकी जो चाह है उससे बचना होगा. मुंबई जैसे शहर में जहाँ पे हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ढेर सारे ऑप्शंस है, मैं आपको बता दूं दैट इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इन आवर नेक्स्ट एपिसोड. लेकिन अगर हम सभी जो है हम में से अधिकतर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना शुरू कर दे तो सोचिए कि रोड पे ट्रैफिक कितना कम होगा, पर्सनल कार्स जो है कितनी कम बाहर आएंगी एंड इससे हमारे एनवायरनमेंट पे कितना पॉजिटिव इफेक्ट होगा. वेल, यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक गॉड इन पेड़ों ने मुझे बचा लिया. व्हीकल से पैदा हुआ पॉल्यूशन हवा को टॉक्सिक बना देता है और इससे पैदा हुई जो हीट है वो हमारे एटमोसफियर में ट्रैप हो जाती है. और इसकी वजह से क्या आपको पता है क्या होता है? इसकी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत इरेटिक बिहेव करता है. इसलिए जो आप बिन मौसम बरसात देखते हैं और बहुत सारी बारिश आ जाती है फिर फ्लड्स आ जाता है, वो सब हमारे क्लाइमेट चेंज की वजह से ही है.
और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इन दिनों जो है पेड़ बहुत कट रहे हैं, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, तो प्लीज इसे फौरन रोका जाए, प्लीज। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हमारे जो व्यूअर्स, हमारे जो यूथ है, उन्हें ग्रीन एंटरप्राइज के बारे में आप कुछ बताइए। ओके, ग्रीन एंटरप्राइजेस मतलब हर वो एरिया जहाँ ग्रीनरी कवर होती है। ग्रीनरी कवर होती है यानी कि सिर्फ तुम्हारे ट्रीज वगैरह नहीं हो जाते, ग्रीन एंटरप्राइजेस मतलब आपके वो भी एरियाज होते हैं जहाँ पे आपका वेस्ट कम होता है, या जहाँ पे आपके इको फ्रेंडली रिसोर्सेस का काम होता है, या जहाँ पे कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है एंड देयर इज नो वेस्ट विच इज हैपनिंग, तो भी हम उसको ग्रीन एंटरप्राइजेस में कैलकुलेट करते हैं। उसके सिवाय अगर हम सोलार एनर्जी की बात करें तो सोलार एनर्जी का ट्रैपिंग जो होता है वो भी आपके ग्रीन एंटरप्राइजेस में आ जाता है। आपने सब में से शुरुआत कैसे की, मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ ये चीज़? बेसिकली मैं इस फील्ड में अराउंड 7 to 8 ईयर्स से हूँ। मुझे नेचर ट्रीज, बर्ड्स, बटरफ्लाइज, इन सब में काफ़ी इंटरेस्ट था। सो जहाँ पे भी गए, कोई प्लांट देखा, ओह ये प्लांट कौन सा है, इसके क्या क्या यूजेस हैं, अगर बटरफ्लाई दिखा तो ओके ये बटरफ्लाई का स्टेटस क्या है मुंबई में, क्या ये कॉमन है या नहीं। सो सच काइंड ऑफ इंक्वायरीज एंड सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यूज्ड टू बी इन माय माइंड, उसमें मैं जैसे जैसे मैंने स्टडीज करती गई तो मुझे पता चला कि यस देयर इज अ बिजनेस, यू कैन डू अ बिजनेस आउट ऑफ इट। और हमारे जो अभी यूथ है उसे आप बताइए, थोड़े टिप्स दे सकते हैं आपकी, इसमें कैसे अंदर घुसा जाए इस चीज के अंदर? सबसे पहली चीज होती है कि क्यूरियोसिटी। एज अ साइंस स्टूडेंट्स हो, कॉमर्स स्टूडेंट्स हो, कोई भी हो, इफ यू हैव क्यूरियोसिटी रिगार्डिंग एनीथिंग यू विल ऑटोमेटिकली फाइंड योर वे। उस टाइम पे जैसी मुझे क्यूरियोसिटी थी, आई यूज टू टॉक टू माई टीचर्स, आई यूज टू टॉक टू द पर्सन्स हु आर वर्किंग इन दिस फील्ड। उनसे इंटरेक्शन करने पे आपकी नॉलेज एक तो इंक्रीज होती है एंड बेसिकली कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए देर इज अ गुड ऑफर, लाइक अगर आप नेचर ट्रेल्स वगैरह लेते हो, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ में इंटरेक्शन करते हो। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए मुंबई में एक और ग्रुप है जो अपनी लगातार कोशिशें जारी रखता है, पूरी मुंबई क्लीन रखता है, साथ ही साथ आप ये जो बीचेस देखते हैं ये भी क्लीन रखते हैं। याद है मैंने आपको एपिसोड की शुरुआत में कहा था कि आपको हम मिलाने जा रहे हैं मुंबई के सुपर हीरो से, तो चलिए उनसे बात करते हैं। आप यहाँ पे रोज काम करते हो, राइट? रोज काम करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो प्लास्टिक है कितनी बुरी तरह से हमारे पर्यावरण को अफेक्ट कर रहा है, कितना प्रॉब्लम दे रहा है? बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, पब्लिक आता है जाता है, कागज फेंकता है जाता है, हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा। प्लास्टिक के ऐसा होता है कि प्लास्टिक जो अपन फेंकते हैं पानी में उसे मछली मरती है ज्यादा से ज्यादा, वही मछली जो अपन फिश जो अपन मछली खाते है उसकी वजह से आप लोगों को भी तकलीफ होता है। ये बात है ना, पब्लिक को समझती नहीं है। पब्लिक को कितना भी बोलो पानी में कचरा मत डालो, हाल फूल मत फेंको, आपको मालूम है कलश लगाया इधर तो भी पब्लिक कलश में कुछ हार फूल नहीं फेंकते हैं, पूरा पानी में ही डालते हैं। पर आप हमें बताएं कि ये कैसे रोका जा सकता है, कुछ तो होगा? पहली बात मैडम, मैं प्लास्टिक ही बंद करना मांगता है। प्लास्टिक तो हाँ, जिधर जो प्लास्टिक जिधर मैन्युफैक्चर होता है जी, वही जो बंद हो जाएगा ना तो सवाल नहीं पैदा होता प्लास्टिक का। अगर आपको एक दिन का मौका मिले कि आप ऐसे लोगों को सिखाओ कि कचरा कैसे डालना है, तो आप क्या पनिशमेंट दोगे, आप क्या करोगे? बोलेगा तो वो लोग क्या बोलते हैं मालूम है, तुम लोग पगार नहीं मिलता है क्यों, हम लोग फेंकते ही जाते हैं, क्या करने का, तुम लोग काम करने का है ना, करना पड़ेगा, ऐसा बोलते है एक एक जन। उल्टा भी बोलते है एक एक जन, बोलते है आंटी आंटी सॉरी आंटी नहीं है आंटी, डब्बे में डालता है करके एक एक जन ऐसा बोलता है, एक एक जन ऐसा बोलता है। हमारी जो यूथ है, ठीक है, हमारी जो जनता है, उन लोग को भी अगर ऐसा, जैसे आप जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा है, वॉरियर के नाम से जाना जाता है, वैसे अगर किसी और को करना हो तो क्या टिप्स देंगे आप आगे आने के? ऐसा भी मैडम बहुत एनजीओ वाला आता है सैटरडे संडे करने के लिए। ओ वाओ, दाना पानी बीच में आते हैं, हर संडे एरंगल बीच में आता है जी। अभी गणपति के टाइम भी बहुत हेल्प मिलती है हम लोग को, स्कूल का बच्चा, कॉलेज वाले, बहुत जो एनजीओ वाले बहुत जन हेल्प करते हैं, लेकिन वो लोग हम लोग पहले 2-8 दिन 10 दिन पहले हम लोग को बताते कि हम लोग ये टाइम पे आते हैं, ये टाइम पे हम लोग आएंगे, वो हिसाब से हम लोग गाड़ी में मैनेज करते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली मैनेज करते हैं, उन लोग को सामान प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भारती जी, आप सुपर हीरो हैं, थैंक यू सो मच। याद है शुरुआत में मैंने कहा था कि मैं अपने आस पास हो रहे क्लाइमेट डिजास्टर के लिए टोटली रेडी हूँ और मैं इसका बेसब्री से इंतजार भी कर रही हूँ।
फिर हमने डिसाइड किया कि हम इंतजार नहीं करेंगे बल्कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई एक ठोस सोल्यूशन ढूंढेंगे और कुछ काम करेंगे इस पे। क्लाइमेट चेंज जैसी सिचुएशन को चेंज करेंगे, वेल पूरी तरह से तो चेंज नहीं हो सकता लेकिन बदलाव आ सकता है। फिर हमने पता लगाया कि क्लाइमेट चेंज क्या है और हम ह्यूमन बीइंग्स इसमें किस तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं। मेरे, तुम्हारे, हमारे, हम सबकी वजह से ये क्लाइमेट चेंज जो है वो पैदा हो रहा है। वेल, हम मिले कुछ ग्रीन एंटरप्रेन्योर से, इतना ही नहीं कुछ क्लाइमेट चेंज वॉरियर से भी, और हमने जाना कि वो अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसा क्या कर रहे हैं और क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी समस्या के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब हम आपसे ये पूछने वाले हैं कि आप इस बारे में क्या कर सकते हैं, आप इस मामले में हमारी क्या मदद करेंगे, आप कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप कौन सा ऐसा टेक्निकल सोल्यूशन देना चाहते हैं मुंबई को कि वो क्लाइमेट चेंज का सीन पलट दे। अब हम आगे बढ़ते हैं सबसे अमेजिंग पार्ट की ओर, जो है क्विज क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, आप क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए क्या मदद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जू बीच सबसे ज्यादा किस चीज के लिए फेमस है। और ये क्विज के सवालों के जवाब आपको www.mapofme.in पर देने हैं और आप जीत सकते हैं एक्साइटिंग प्राइजेस। और हाँ, 26 स्टेप चैलेंज लेना मत भूलिएगा, जहाँ पर हम आपकी हेल्प करेंगे आपका करियर बनाने के लिए। फिलहाल हम चाहते हैं कि हम आपके लिए रोजाना एक नया टॉपिक, एक नई समस्या लेके आए ताकि आप उनके ऊपर सोचे और एक खुद का डिजाइन किया हुआ सोल्यूशन लेके आए और बने एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। और हाँ, अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई है तो प्लीज हमारा वीडियो जरूर शेयर करना।